राम राम भाइयों, क्या हाल चाल? नहीं ओए भाई, बैठ पे नहीं चलना, नीचे उतर, चल चल। क्या यहाँ पे कहीं देसी बीज मिल जाएंगे? 60-70 साल हो गए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को आए हुए, इन कंपनियों की इतनी बड़ी मोनोपोली रह रखी है। तो सुबह के बज गए हैं करीबन 7 और कल रात में बहुत ही तेज बारिश आई है, आप देख सकते हैं सब कुछ भीग चुका है। तो मैं फटाफट से सारे दिन के काम शुरू करता हूँ और सबसे पहले तो मैं जाके पूरे फार्म में चक्कर लगाऊंगा कि कहीं पे भी ज्यादा पानी ना भर गया और कहीं निकालने की जरूरत ना पड़ रही हो। तो ये थोड़े बहुत काम निपटाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बारिश ऐसा नहीं है कि अभी भी रुक गई है, इट इज स्टिल रेनिंग। हमारा गार्डन पूरा भीग गया है, आगे की ये वाला पैच हमने प्रिपेयर करना था कल्टीवेट वगैरह करके। अब यहाँ पे भी ट्रैक्टर हमारा कम से कम भी 1.5 महीने तक नहीं चल पाएगा। काजू काजू, व्हाट डू यू वांट? काजू की सबसे बढ़िया बात ये है ना कि इसका एक कान खड़ा रहता है और दूसरा टूटा हुआ है। काजू, ऑफिस का रास्ता कहाँ से है? लेफ्ट जाके, इधर आ बेटा, चल चल किशमिश। तो बारिश काफी ज्यादा हुई है और खेत के अंदर पानी भर गया है। अगर अब इससे ज्यादा बारिश और होती है तो हमें फिर पानी निकालना पड़ेगा। तो खेत में पानी भर गया है, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह है उसमें हमें नुकसान नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमने हाइट पे बना रखा है। पीछे का देख लेते हैं खेतों में क्या चल रहा है। गेहूं वगैरह में तो नुकसान हुआ होगा, सरसों में भी फूल जड़ गए होंगे। कल 90,000 का फोन टूट गया और अब ये ऐसे बारिश में, मतलब क्यों? खेती में यही है यार, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट बिजनेस है। मौसम साथ देता है, अच्छी मार्केट मिल जाती है तो बहुत पैसा है, और जब मौसम की मार पड़ती है तो शुक्र यह है कि ओले नहीं पड़े। लग रहा था कि थोड़ी गर्म मौसम हो रहा है और बारिश भी तेज हो रही थी तो लग रहा था कि ओले पड़ सकते हैं, बट थैंकफुली ओले नहीं पड़े। आप में से किसी के एरिया में अगर ओले पड़े हो तो बताना यार। आलू वगैरह में और टमाटर में खास करके पानी पड़ता है तो फंगस वगैरह की दिक्कत आने लग जाती है, तो इसके हिसाब से हम दवाइयाँ बनाएंगे अभी से ही। रेस्ट बेड में बनाने का एक फायदा आप ये और भी देख सकते हैं कि इतनी बहुत जो बारिश हुई है उसके बाद भी हमारे जो आलू के पौधे हैं वो बच गए हैं क्योंकि पानी नाली के अंदर इकट्ठा हो गया, डूबने की समस्या नहीं आई है इसमें। अगर पौधा पूरा डूब जाता है तो रूट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है फंगस की, खास करके जड़ गलन की। 25,000 चाबियां हैं यहाँ पे। ये क्या बकवास है, पहले मैंने ये वाली लगाई तो ये नहीं लगी, फिर दूसरी लगाई वो नहीं लगी, फिर मैंने पहले वाली लगाई तो वो फिर लग गई। आपके साथ भी हुआ है कभी क्या ऐसा? चुकंदर गाजर भी ठीक है, यहाँ पे पानी भर गया है नालियों में, बट कुछ अलार्मिंग नहीं है। कुछ भी को मौसम अच्छा हो गया। तो हमने जो जो गोभिया, ब्रोकली और प्योर ट्रांसप्लांट करी थी हमारे बाग में इंटरक्रॉपिंग में, वो तो बहुत अच्छी हो गई है। इसके अलावा जो हम बीज लगा रहे थे वो हमने इसीलिए नहीं लगाए थे क्योंकि हमने देख लिया था बारिश आने वाली है, तो वेदर फोरकास्ट पता होना भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं सुबह उठते ही फ़ोन में फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाने से पहले हमेशा वेदर देखता हूँ आज का, कि मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो अभी जब धूप निकलेगी ना तेज, तब मैं आपको लेके जाऊंगा, निकलती है तो पपड़ी कैसे जम जाती है और बारिश से पहले बीज क्यों नहीं लगाना चाहिए। अभी थोड़ा सरसों वगैरह और गेहूं वगैरह देख लेते हैं पीछे क्या हालत है उनकी। सरसों भी ठीक है, ये सारी हमारी सरसों है जी, पीली सरसों कर रखी है। अब और बारिश ना हो तो ये काफी अच्छी प्रोडक्शन दे देगी। आप लोगों में से भी कईयों ने सरसों कर रखी होगी, अगर कर रखी है तो कमेंट में लिख के बताओ। बढ़िया लग रहे हैं येलो येलो फूल। एक काम करना, इंस्टाग्राम के लिए एक फोटो खींच ले, कहाँ खड़ा हूँ ठीक है, और पीछे थोड़ा मिल गई कलेजे को ठंडक। मेरी सरसों, मुझे नहीं लगता कि आज कोई मेहमान वगैरह आएंगे और खेत में भी काम अभी 2-3 दिन तक तो खास कुछ हो नहीं पाएगा, तो आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, चलते हैं नर्सरी के अंदर ये देखो। और वहाँ पे बीज लगाते लगाते मैं आपको बीजों की जानकारी देता हूँ कि देसी बीज क्यों लगाना जरूरी है, हाइब्रिड और GMO बीज क्या होते हैं। पहले मैं थोड़ी सी गाजर पाड़ लूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सुबह जूस पीने का रहता है, गाजर चुकंदर का जूस पियेंगे हम। तो इनको अभी धो धा के जूस बनाते हैं और पीते पीते फिर आपसे बात करते हैं। चलिए फिर। कमाल का जूस है, एकदम ताजगी आ जाती है।
जो कल रात के बीज रह गए थे वो लगाए जा रहे हैं। और साथ में ही मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि देसी बीज और हाइब्रिड बीज के अंदर फर्क क्या है, अगर हाइब्रिड कर रहे हैं तो क्या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अच्छे बीज कहाँ से लें। तो इन सब की ही थोड़ी आज बातें करूंगा मैं आपके साथ। तो जी सीधी बात यह है कि जब भी आप किसी भी टाइप की खेती करते हैं तो आपको तीन टाइप के बीजों में से चूज करना होगा। नंबर वन है हमारा देसी बीज, जिसे अंग्रेजी में हेयरलूम सीड्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हाइब्रिड बीज और उसके बाद आता है जीएमओ बीज, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वाले बीज। देसी बीज यानी कि हेयरलूम सीड्स वो वाले बीज होते हैं जो ओपन पॉलिनेशन से जो पौधा है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि दो भाग होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक मेल एक फीमेल। तो जो मेल वाला पार्ट है वो फीमेल वाले पार्ट में जब गिरता है तो उनका रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है और फ्रूट बनता है जिसके अंदर सीड्स बनते हैं। ये प्रोसेस नेचुरली ही होता है। इसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड बीज, जिसे F1 भी बोलते हैं। हाइब्रिड बीज वो वाले बीज होते हैं जो ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन से बनाए जाते हैं। इसके अंदर अक्सर कोई ना कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर एक फॉरेन बीज एक लोकल बीज से क्रॉस करा जाता है, जिसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसके अंदर दोनों ही वेराइटीज के कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि यहां की हमारी देसी गाय हुआ करती है और बाहर की एक फ्यूगरसन और एक जर्सी गाय होती है, अगर उन दोनों को हम मिला देते हैं तो उनसे जो नया बच्चा निकलता है वो हमारा हाइब्रिड बच्चा होता है, जिसे F1 बोलते हैं। पर इसमें जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड बीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई फॉरेन यानी कि देश के बाहर से ही बीज लाना हो। मान लीजिए अगर हमारा एक बीज है लोकल हरियाणा का, उसको हम क्रॉस करवाते हैं गुवाहाटी यानी कि असम के किसी बीज से, तो उस केस के अंदर भी हमारे पास एक क्रॉस पॉलिनेटेड बीज मिल जाता है। हाइब्रिड बीज बनाने के कई रीजंस होते हैं। मेन रीजन ये रहता है कि एक नई वैरायटी डेवलप करते हैं जिसके अंदर जो दो बीजों का हम चयन कर रहे हैं उनके अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम लेके एक नई वैरायटी बनाते हैं। आप ऐसे समझिएगा कि एक वैरायटी का हमारे पास बीज है, मान लीजिए टमाटर का बीज है जिसके अंदर प्रोडक्शन अच्छा आता है या उसका टेस्ट अच्छा है, उसके साथ आप क्रॉस करवा देते हैं कोई ऐसे टमाटर की वैरायटी जिसके अंदर लीफ कर्ल वायरस या कोई और बीमारी जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट की समस्या कम आती है या नहीं आती है। तो हम जब इनको क्रॉस करते हैं और जो रिजल्ट निकल के आता है तो उसमें साइंटिस्ट ऐसी वैरायटी डेवलप कर लेते हैं जिसके अंदर फ्रूटिंग भी अच्छी मिलती है और साथ में जिसके अंदर वो कोई पर्टिकुलर टाइप के डिजीज से भी रिजिलियंट होता है। देसी और हाइब्रिड हमें समझ में आ गया, लेकिन अब ये जीएमओ क्या है? देखिए हाइब्रिड और जीएमओ दोनों में बहुत मेजर फर्क है। जो हाइब्रिड बीज होते हैं उसके अंदर हम सेम स्पीशीज के दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं, यानी कि टमाटर है एक किसी और इलाके का एक किसी और इलाके का, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। लेकिन जब हम जीएमओ की तरफ जाते हैं यानी कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट ने लैब के अंदर कोई और स्पीशीज का, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया जो नेचर में मिल रहा हो या कोई अलग वैरायटी की बिल्कुल चीज है, उसको क्रॉस करवाते हैं किसी अलग वैरायटी से। जैसे कि बीटी कॉटन, इसके अंदर क्या किया साइंटिस्ट ने, जो हमारी कपास है यानी कॉटन, उसके पौधे के अंदर बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके जीन्स लाके इन्होंने मर्ज कर दिए और उससे जो प्लांट निकला वो एक टोटली नई प्रजाति है जो आज से पहले कभी ना देखी गई ना सुनी गई ना कभी नेचुरली इन्वायरमेंट में हो सकती थी। मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशंस के अंदर नहीं जाता हूँ, हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि अगर हम खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं खास करके तो हमें कौन से बीजों का चयन करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा है देसी बीज जो कि लोबिया का है। इसके अलावा हम खुद भी अपने देसी बीज तैयार करते हैं और ये वाला जो हम पैकेट के अंदर बीज खरीद के लाए थे वो है हमारा हाइब्रिड बीज। जीएमओ बीज मेरे पास अभी दिखाने के लिए नहीं है क्योंकि जीएमओ बीज इतने आसानी से मिलता भी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ बीटी कॉटन, कॉर्न और ब्रिंजल, ये तीन जीएमओ सीड्स आज तक इंट्रोड्यूस हुए हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, अभी अनप्रिडिक्टेबल टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक के अंदर तो खास करके इस्तेमाल कर ही नहीं सकते आप। जनरल पब्लिक के यूज के लिए जीएमओ सीड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो नंबर वन से ही चालू करते हैं देसी बीजों के फायदे और नुकसान। देसी बीज अगर आपको मिलता है अपने इलाके का तो आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देसी बीज को ही दीजिएगा, चाहे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या फिर आप कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, आप देसी बीज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि देसी बीज का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा तो यही है कि आपको बार बार बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिप्रोड्यूस करके खुद ही अपने पास सीड बैंक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अभी आपने देखा हम बीज खरीदने गए थे लास्ट टू लास्ट व्लॉग के अंदर, पे हमारा करीबन 10,000 का खर्चा हो गया था सिर्फ बीज बीज के में। तो आप पर सीजन अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए बचा सकते हैं अगर आप देसी बीज अपने ही खुद बना रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरा फायदा देसी बीज का ये रहता है कि देसी बीज ज्यादातर खाने में और टेस्ट में ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा हमारा देसी बीज के साथ ये रहता है कि देसी बीज सस्ते होते हैं,
अगर आप खरीदने भी जाए तो हाइब्रिड के मुकाबले देसी बीज की प्राइसिंग बहुत कम रहती है क्योंकि वो लोकल ही बन जाता है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा देसी बीज का ही रहता है कि देसी बीज ज्यादा रेजिलियंट होता है कीड़ों के प्रकोप में। देसी बीज ज्यादा आपको प्रोडक्शन देगा हाइब्रिड से कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ देसी बीज पानी भी कम पीता है और देसी बीज में मौसम की मार जब पड़ती है यानी कि मौसम में टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होती है तो उसके मामले में भी देसी बीज ज्यादा रेजिलिएंट है यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीज होता है। वहीं अगर हम बात करें हाइब्रिड बीज की तो हाइब्रिड बीज के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बीज डिजाइन किया जाता है। मान लीजिए हमने एक हाइब्रिड बीज लिया है जिसको हमने डिजाइन कर रखा है ज्यादा यील्ड के लिए तो उस केस के अंदर वो वाला बीज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता यानी कि इतना ज्यादा वो रेजिलिएंट नहीं रहता। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है यानी कि पेस्ट के अटैक है पानी के स्ट्रेस है ज्यादा धूप या एकदम मौसम गिरने का स्ट्रेस है उन केसेस के अंदर हाइब्रिड बीज से ज्यादा अच्छा देसी बीज परफॉर्म करता है क्योंकि हाइब्रिड बीज को बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन दे। पर देसी बीज के साथ भी कुछ एक प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी देसी बीज के साथ प्रॉब्लम तो यही है कि देसी बीज अवेलेबल ही नहीं होता। हम अभी आप सबको इंदिरा मार्केट लेके गए थे 2 दिन पहले तो वहाँ पे हमने लगभग हर दुकान पे पूछा पर हमें कहीं पे भी देसी बीज वहाँ मिला ही नहीं। क्या यहाँ पे कहीं देसी बीज मिल जाएंगे? मना कर रही है। देसी बीज अगर आपको चाहिए तो आपको कहीं गांव देहात के इलाकों में जाना पड़ेगा जहाँ पे किसी सज्जन आदमी ने जो दूरदर्शी रखता हो अपनी सोच को और उसने अपने पुराने बीजों को बचा के रखा हो वहीं से आपको ओरिजिनल देसी बीज मिल पाएगा। 60-70 साल हो गए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को आए हुए, इन कंपनियों की इतनी बड़ी मोनोपोली रह रखी है कि देसी बीज यहाँ पे लोगों ने लगाने छोड़ दिए और वो बीज अब लुप्त हो गए हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि देसी बीज अवेलेबल ही नहीं होता। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे पैकेट में बेचते हुए, हमें भी इंदिरा मार्केट में मिले थे, उन्होंने बोला कि ये बीज हाइब्रिड नहीं है ये बीज देसी है बट आप पैकेट पे पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ था कि वो हाइब्रिड बीज ही है। रिसर्च है लेकिन लिखा तो यही है हाइब्रिड भिंडी सीड। तो आपको पैकिंग के अंदर या फिर कहीं पे भी शॉप में देसी बीज नहीं मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोकल एरिया के हम जितने बीज हो वो बचा पाए। सब कुछ बढ़िया रहा आप लोगों का साथ रहा तो नेक्स्ट ईयर तक हम देसी बीज की भी अपनी एक लाइन लॉन्च करेंगे। खैर देसी बीज के साथ दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि देसी बीज के अंदर अक्सर जो प्रोडक्शन होती है वो कम निकल के आती है और जो फ्रूट का साइज होता है वो भी छोटा होता है। आप एग्जांपल के तौर पे देखिएगा ये है देसी ग्वार फली और ये है हमारी हाइब्रिड ग्वार फली, साइज के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं। तीसरा एक प्रॉब्लम जो देसी बीज के साथ अक्सर किसानों को देखने को मिलती है और हमें भी देखने को मिली थी वो ये थी कि देसी बीज को लोग रेडिली एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी ग्राहक है जिनको हम सब्जियां सेल करते हैं वो देसी सब्जियों का टेस्ट तो पसंद करते हैं लेकिन जो देसी सब्जियों की लुक होती है एस्थेटिक वैल्यू जिसे बोलते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इतना पसंद नहीं करते। तो इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं खास करके शहरों के अंदर वो देसी सब्जियों को इतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने कभी इसको देखा नहीं होता, उनको ये पता नहीं होता कि ये कैसा टेस्ट करेगा। ज्यादातर देसी बीज शेप साइज टेक्सचर में अलग होते हैं, लोगों को लगता है इनमें कोई खराबी ना हो। अब अगर आप टमाटर का ही एग्जांपल ले लें तो ज्यादातर कस्टमर्स टमाटर लेने से पहले यही देखते हैं कि वो कितना ज्यादा लाल है कितना मार रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं देसी बीज उगाने के बाद किसानों को मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको जो है वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दूं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं। तो अब हम बात करते हैं हाइब्रिड बीज के बारे में। हाइब्रिड बीज के फायदों के बारे में बात करें तो उसमें सबसे बड़ा फायदा तो हमें यह निकल के आता है कि अगर हाइब्रिड बीज सही इंटेंशन से बनाया जाए तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आ पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रॉट के इलाके में रहते हैं यानी कि जहाँ एरिड क्लाइमेट है ज़्यादा बारिश नहीं होती तो वहाँ के लिए बीज इस हिसाब से डेवलप करे जा सकते हैं जहाँ पे उन बीजों को ज़्यादा पानी की जरूरत ना हो या फिर वो कम पानी के अंदर भी सर्वाइव कर लें। हाइब्रिड बीज के अंदर काम करें तो एक और बहुत अच्छा फायदा हमें निकल के ये आ सकता है कि बीज उस हिसाब के डेवलप करे जा सकते हैं जो खारे पानी के अंदर भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग दे। हमारे देश के अंदर आगे आने वाले टाइम में बहुत मेजर समस्या मीठे पानी की अवेलेबिलिटी के आने वाले हैं। ज़्यादातर पानी खारा हो चुका है, दिन पे दिन और खारा होता जा रहा है। तो ऐसे केस के अंदर अगर हमारे पास ऐसे हाइब्रिड बीज डेवलप होते हैं जो खारे पानी के अंदर भी प्रोडक्शन दे, चाहे कम दे लेकिन फिर भी प्रोडक्शन देते रहे, तो वो बहुत अच्छा हमारे पास एक एडवांटेज होगा। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज हाइब्रिड बीज के अंदर ये मिलता है कि हाइब्रिड बीज की देसी बीज के तुलना में प्रोडक्शन हमेशा थोड़ी ज्यादा ही निकल के आती है। साथ ही साथ जो साइज होता है हमारे वेजिटेबल्स या फ्रूट का वो ज्यादा बड़ा होता है जिसके कारण जब भी उसे किसान मार्केट करने जाता है मंडी में या ग्राहक पे तो बिकने में आसानी रहती है, साथ में ही रेट अच्छा मिलता है हाइब्रिड पर।
अगर इतना ही अच्छा हाइब्रिड होता तो हम सारे ही बीज अपने हाइब्रिड इस्तेमाल कर रहे होते। हम यहाँ फार्म पे तो पहली प्रेफरेंस देसी बीज को ही देते हैं। जितने भी हमारी लोकल सब्जियां हैं उनकी हम ज़्यादातर बीज देसी ही लगाते हैं। इसका मतलब हाइब्रिड बीज में भी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम देसी बीज को प्रोपोगेट कर रहे हैं। और बहुत सारे नेचुरल फार्मिंग के लोग जो होंगे, जो भी आप देखते होंगे, वो अक्सर देसी बीज को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइब्रिड बीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो आपको हर बार खरीदना पड़ता है। मैं ज़्यादा साइंटिफिक भाषा नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ, बट आप इसको ऐसे समझिएगा, जब भी हाइब्रिड बीज बनता है तो एक तरीके से नई वैरायटी तैयार होती है। तो एक पर्टिकुलर वैरायटी का हमारे पास टमाटर है, उसको दूसरी वैरायटी से हमने क्रॉस करा तो जो नया उनका ऑफस्प्रिंग निकला वो F1 कहलाता है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कहलाता है। ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर दोनों के अच्छे अच्छे ट्रेस तो होते हैं, लेकिन वो वाला जो पौधा है जो अब निकला है जिसे F1 हाइब्रिड बोलते हैं, उस बीज के जो बीज निकलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आगे वही सेम रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तो इसीलिए हाइब्रिड बीज को बार बार लेना पड़ता है। हाइब्रिड बीज भी स्टेबल फॉर्म में पहुंच जाता है, लेकिन उसके लिए कई जनरेशन तैयार करनी पड़ती है। तो F1 के बाद अगर उसको बार बार हम क्रॉस करते रहे तो अल्टीमेटली F20 F30 के बाद जाके एक दूसरी स्टेबल वैरायटी हमें मिल जाती है जिसके अंदर हमें कंसिस्टेंट ट्रेस मिलते हैं। अभी हम चलते हैं हाइब्रिड बीज के दूसरे एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज के बारे में। हाइब्रिड बीज जब भी हम खरीदते हैं तो वो सबसे पहले तो हमें महंगा खरीदना पड़ता है देसी बीज के कंपैरिजन में। इसी के साथ साथ हाइब्रिड बीज कोई भी किसान अपने यहाँ पे तैयार नहीं कर सकता। अब उसमें प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि इतने सालों के अंदर जितनी भी मेजर कंपनीज हैं, सिजेंटा, क्लॉस, खास करके इनकी जो पेरेंट कंपनी है मोनसेंटो, उन्होंने बहुत ही भयंकर मोनोपोली मार्केट में जमा ली है और वो एक बहुत बड़ा लॉबी का काम करते हैं जिसके अंदर वो सरकार पे प्रेशर बनाते हैं और सरकार फिर इस टाइप की पॉलिसियां लेके आती है जिसमें किसानों का नहीं इतना ख्याल रखा जाता बल्कि जो बीज की प्रोडक्शन वाली कंपनी है उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। साथ में मैंने आपको पहले जैसा बताया था हाइब्रिड बीज को हम तैयार कर सकते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो उसमें बड़ी कंपनियां एक और ये चाल करती हैं कि वो पर्टिकुलर टाइप का पेस्टिसाइड तैयार करती हैं जिसमें उस हाइब्रिड बीज पे वही पेस्टिसाइड ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा। तो हाइब्रिड बीज को यूज करा जाता है पेस्टिसाइड्स की सेल बढ़ाने के लिए। तीसरा एक डिसएडवांटेज हाइब्रिड बीज के अंदर ये निकल के आता है कि अक्सर हाइब्रिड बीज को जब हम डिजाइन करते हैं या जो बाजार में मिल रहा है उसको खरीदते हैं वो ज्यादा पानी पीते हैं। हाइब्रिड बीज वैसे तो तैयार करे जा सकते हैं जो सूखे में भी अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा उन्हीं बीज को देती है ये कंपनियां जिसमें सिर्फ प्रोडक्शन को ध्यान में रखा जाता है और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा पानी चाहिए रहता है, ज्यादा खुराक चाहिए रहती है। और ऐसे टाइम में जब पानी की शॉर्टेज है तब वो वाले बीजों को खरीदना जो ज्यादा पानी मांगते हैं कहीं ना कहीं समझदारी की बात नहीं है। अभी कोई गेट पे आए हैं, शायद से वेल्डिंग वाले भैया आए हैं, तो मैं इस डिस्कशन को अभी यहीं रोकता हूँ, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कंक्लूजन के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या नॉर्मल फार्मिंग कोई सी भी टाइप की फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आप देसी बीज को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर आपको देसी बीज नहीं मिलते हैं तब आप हाइब्रिड बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप हाइब्रिड बीज से खेती कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, ये कतई झूठ है। अगर हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें, जो सरकारी नॉर्म्स हैं जिसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके अंदर साफ साफ यही लिखा हुआ है कि आप देसी बीज को प्रेफरेंस दीजिए, लेकिन अगर देसी बीज नहीं मिलता है तो आप हाइब्रिड बीज से भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो अभी बीज का काम खत्म करते हैं, जो वेल्डिंग के शायद से भैया हैं उनसे मिलते हैं। तो फार्म के तो काम खत्म हो गए हैं, लेबर वगैरह सब चली गई है, अब डिनर करेंगे और उसके बाद हमारी टीम ने जो कमेंट सेलेक्ट कर रखा होगा उसको हम गिव अवे देंगे और आज का सवाल बताएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको जल्दी। नमस्कार जी। तुम तो पहले ही चमके पड़े हो। नमस्कार। जी। अरे कितना कुछ पता नहीं आपको। बताओगे तभी पता चलेगा। बहुत बढ़िया। तो आपको शायद आपने कल कमेंट किया था हमारे लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर का कमेंट हमारी टीम ने सेलेक्ट करा है। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक पैकेज जिसके अंदर तीनों कोर्स है हमारे वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। चलो कितने दिनों से मैं राह देख रहा था पता कि अभी मुझे सीखने मिलेगा। जी जी। चलो द टाइम हैज कम, बहुत जल्दी मिलते हैं। बेस्ट ऑफ फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय, टेक केयर। साथियों, जैसा कि हमने आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग जब आप करते हैं तो देसी बीज की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें देसी बीज को क्यों यूज़ करना चाहिए, बट फिर भी मजबूरी में हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करना पड़े तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज़ हम कर सकते हैं। तो आज का सवाल यही है कि किस कंडीशन के अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके क्या ओपिनियंस है इस टॉपिक पे कमेंट करके बताइए। और सबसे अच्छा जो सुझाव होगा उसको हम कल के व्लॉग के अंदर गिव अवे देंगे। तो मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।
टेक केयर, गुड नाइट।